हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये लगातार दूसरा वीडियो। इसमें e की पावर x fx plus f dash x अगर into e की पावर x इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। बहुत आसान है। e की पावर x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x fx, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x f dash x, और इंटीग्रेशन भी आप इंडिविजुअल अलग अलग लगा दीजिए। करेक्ट, इस स्टेप से इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक नहीं करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे। क्यों नहीं ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअली में यहाँ पर डबल फंक्शन आ गए, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड अकॉर्डिंग टू आई लिमिट। यू नो दैट एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में आता है, तो ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, यू नो पहला बार दूसरे का इंटीग्रेशन, करेक्ट, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन इंटीग्रेशन, और ये जो सेकंड है इसको आप यहां पर ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए क्या होगा, एफ एक्स अपनी जगह मौजूद है, e की पावर x का इंटीग्रेशन यू नो दैट e की पावर x माइनस ddx ऑफ fx, यू नो वेरी वेल f dash x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x dx प्लस e की पावर x f dash x dx। देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल बट अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x fx, और एक बाद में पैरा से कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। दोस्तों देखा आपने रिजल्ट, e की पावर x fx plus f dash x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, e की पावर x fx plus c। इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए यहां पर क्या है कि fx plus उसका डेरिवेटिव, fx plus its डेरिवेटिव, इसका आप डायरेक्ट आंसर ही बोल सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब सपोज दैट यहां पर क्वेश्चन आपका आया e की पावर x sin x plus cos x dx, तो e की पावर x sin x plus cos x में आप देख रहे हैं यहां पर कि sin x मेरा fx है और ये f dash x है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा, ये मेरा fx है, ये मेरा क्या है f dash x, देखिए sin x का डेरिवेटिव f dash x, इसका मैंने रिजल्ट क्या लिखवाया था आपको, e की पावर x fx plus c, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा e की पावर x fx plus c, ये आपका आंसर है डायरेक्ट। बट एग्जाम में आप क्या करेंगे, सेम उसी तरीके e की पावर x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां भी यहां भी, और आप फर्स्ट वाले में इंटीग्रेशन में पार्ट्स एक्सप्लेन कर देंगे और सेकंड वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, e की पावर x 1 upon x minus 1 upon x square dx, तो देख रहे हैं आप यहां पर ये 1 upon x fx हो गया और ये minus 1 upon x square, इसका डेरिवेटिव आप इसको ऐसे समझ सकते हैं e की पावर x 1 upon x, करेक्ट, 1 upon x plus minus 1 by x square, plus into minus वही लिखा है। अब ये fx है और ये f dash x है, आप जानते होंगे कि fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f dash x, तो 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1 by x square, you know, इसका आंसर क्या हो जाएगा according to this formula e की पावर x fx plus f dash x dx, your answer is e की पावर x fx, e की पावर x fx plus c, तो इसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बट बोर्ड में आप क्या करेंगे, पूरा e की पावर x का यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को रोक देंगे, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्म लगाएंगे, और जैसे आपने इसको प्रूफ किया था वैसे ऑटोमेटिकली ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो 3 इंटीग्रेशन में पार्ट्स का, इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा।